योग माया का अर्थ क्या है? योग माया मतलब वह शक्ति जो भगवान को कभी कभी भक्त, क्लियर समझिए पॉइंट को, योग माया मतलब वह शक्ति जो भगवान को कभी कभी भक्तों के समक्ष प्रकट करती है और कभी अप्रकट करती है। पॉइंट टू बी नोटेड, क्विज ले सकता हूं, बड़ी गंभीर बात है। भगवान अपनी भगवत्ता को छुपाना और प्रकट कराना, भगवान की भगवत्ता को छुपाना या प्रकट कराना, यह योग माया का कार्य है। एक पॉइंट क्लियर है। अब दूसरा पॉइंट, योग माया वैकुंठ में कार्य नहीं करती, चेतन चरितामृत में कहा जाता है इसको। क्यों? क्योंकि वहां हमेशा सबको मालूम होता है कि वहां भगवान है। अब दूसरा पॉइंट, दो पॉइंट हो गए कि वैकुंठ में योग माया कार्य नहीं करती है, गोलोक में, लेकिन गोलोक में योग माया कार्य करती है। वैकुंठ में कार्य नहीं करती है, गोलोक में कार्य करती है। अच्छा, क्या गोलोक में सबको मालूम रहता है कि भगवान भगवान है? बताइए, कृष्ण हो सकता है यहां पे। जी प्रभु, सबको पता रहता है। कोई इनका कटाक्ष करना चाहेंगे? नहीं प्रभु जी, मुझे डाउट है एक्चुअली। क्या गोलोक में, गोलोक में सभी को पता है कि भगवान है ये? प्रभु जी एक्चुअली अगर देखा जाए तो वहाँ जो भक्तजन है उन्हें पता होगा कि भगवान है, परंतु जो ग्वाल बाल है जो उनके साथ खेलना चाहते हैं उन्हें शायद। आधा अधूरा आंसर आपका सही है। और कोई भक्त? आंसर एक ही शब्द में देना है, नहीं और यस, ज्यादा नहीं दिमाग लगा। नहीं प्रभु, यस सभी को नहीं पता है। फिर सभी वाली बात नहीं, ओनली यस और नो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। अरे प्रभु जी, गोलोक में वहां पर संबंध स्थापित करके लोग भगवान की सेवा करते हैं, यस और नो? संतोष कृष्ण प्रभु, यस प्रभु जी। मतलब वहां पता है सबको कि भगवान भगवान है कि नहीं है? जी प्रभु जी, जी पता है प्रभु जी। आहा आहा, किसी को होश ही नहीं है। हाँ, दैट इज द पॉइंट। नो, सारिका माता जी सही कह रही, नो, किसी को नहीं पता है भगवान में कि गोलोक में कि वह भगवान है। ठीक है, समझ रहे? नहीं तो कोई उछल करके कृष्ण के कंधे पर बैठेगा, हाँ, भगवान की भावना आ गई तो बोलेगा कि तू बुढ़ापन में बैठूंगा तेरे कंधे पे, नहीं। ठीक है, तो योग माया दो जगह कार्य करती, या तो गोलोक में कार्य करती या फिर भूलोक में कार्य करती, जगत में कार्य करती है। ठीक है, जब भगवान इस जगत में आते हैं तो योग माया क्या करती है, इसको भगवान की भगवत्ता को ढके रहती है। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया तमामृतम तमावृता मूढ़ोयम नाभि जानाति लोको माम अजम अव्यय। इस बात को गीता में सुने हैं, है ना? भगवान या तो जगत में, भगवान की जो ये मतलब योग माया जो है या तो जगत में कार्य करती है या फिर अध्यात्मिक जगत, लेकिन अंतर क्या है, अंतर क्या है? पॉइंट नोट करके रखिए, बहुत सुंदर प्रश्न बनेंगे इससे। आध्यात्मिक जगत में या गोलोक में, जहां भगवान के शुद्ध भक्त हैं, ध्यान रखना चाहिए, जब भगवान की भगवत्ता अपने भक्तों से छुपाई जाती है तो उसका प्रयोजन क्या होता है कि उनका प्रेम का आदान प्रदान बढ़े। समझे संतोष कृष्ण प्रभु जी, समझ रहे? वहां भगवत्ता भगवान की इसलिए छुपा जा रही है कि भगवान से प्रेम का आदान प्रदान बढ़े, प्रेम से कृष्ण की सेवा करे। समझ रहे बात को कि नहीं समझ रहे? जी प्रभु जी, समझ रहे, समझ रहे ना? गोलोक में भगवान की भगवत्ता, भगवान को सब भगवान नहीं जानते और भगवान इस चीज को छुपा के रखते हैं, लेकिन वहां पर भगवान इसलिए छुपा के रखते हैं कि अगर भगवत्ता सामने आ जाएगी तो वह प्रेम नहीं रह जाएगा, वह आदान प्रदान जो है प्रेम से वह नहीं हो सकता है। और ये तो गोलोक में इस प्रकार से कार्य करती है योग माया। अब यहां पर क्या कार्य करती है, यहां पर क्या प्रयोजन है? जो लोग भगवान को भूला रहना चाहते हैं वह लोग भगवान को भूल, उनको कभी प्रकट नहीं कृष्ण भगवान। और जो भगवान की, यहां दो तरह से कार्य करती है,
एक के लिए ढकती है, एक के लिए खोलती है। और जो भगवान की भक्ति करते हैं योग माया के द्वारा ही भगवान अपने गुणों को उनको प्रकट भी करते हैं। क्लियर है योग माया जी? प्रभु जी ये मुझे तीन लोगों का कुछ बताइए, दो लोग मुझे इतना समझते हैं। धीरे धीरे समझ में आएगा माता जी, धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी आप आए हैं, धीरे 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 समझ में आएगा, डोंट वरी। हाँ लेकिन अभी भी आपको बहुत समझ में आ रहा है। समझ में आया कुछ कि नहीं आया? आया प्रभु जी। चलिए अब मैं थोड़ा कुछ क्विज कर लेता हूँ, ठीक है ना? थोड़ा कुछ कर लेता हूँ। योग माया का क्या कार्य है? प्रभु जी वो भूलोक में और गोलोक दोनों में कार्य करती है। नहीं मैं कहाँ कार्य करती, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ। योग माया का कार्य क्या? वो भगवान को देखिए भूलोक में तो वो छिपा कर रखती है। भूलोक और गोलोक वाली बात नहीं, अभी कुछ नहीं बोलना है। भगवान का योग माया का क्या कार्य है वो बता दें। बोलिए शुभांशी माता जी, आप बोलिए। शुभांशी माता जी को बोलने दीजिए। माता जी प्रभु जी वो भगवान और भक्त के बीच में संबंध बना के रखती है प्रेम का, क्योंकि भक्त को पता नहीं होता कि वो भगवान है, तो वो उनके हमने पॉइंट वाइज बताया था। और दूसरा कोई व्यक्ति बता सकते हैं? आप लोग सही बोल रहे हैं, बोलिए। प्रभु जी काम है भगवान की भगवत्ता को ढक के रखती है। प्रभु जी एक आंसर बताया आधा जी, बोलिए गायत्री माता। भगवान की जो भक्तता है उसको प्रकट भी करती है और छुपा के भी रखती है, दोनों कार्य करती है। जैसे जैसे भक्ति करेंगे उस हिसाब से। Yes, भगवान की भगवत्ता को छुपाने का भी कार्य करती है और प्रकट करने का भी कार्य। अब हम पॉइंट वाइज जाएंगे, आप लोग एक साथ सारा आंसर बता रहे थे, मुझे नहीं चाहिए था एक एक पॉइंट वाइज ताकि आपको क्लियर हो जाए, इसीलिए हमने आपको रोका साधना बना। अब देखिए यहाँ पे समझिए, एक क्लियर हो गया भगवान की योग माया का क्या कार्य, भगवान की भगवत्ता को छुपा के रखती है और प्रकट भी करती है, यह दो कार्य उनके हैं। अब देखिए, अब बताइए कि भगवान की योग माया कहाँ कहाँ पर कार्य करती है? गोलोक में, गोलोक और भूलोक। गुड, ठीक है। वैकुंठ में कार्य नहीं करती है, राइट? नहीं प्रभु जी। ओके, गोलोक में क्या कार्य करती है? गोलोक में प्रभु जी वो भगवान की भक्ति को ढक के रखते हैं कि ताकि भक्त और भगवान के बीच में प्रेम बढ़ता रहे। ओके, गोलोक में भगवान की भगवत्ता को छुपा कर रखती है। भूलोक में क्या कार्य करती है? भूलोक में प्रभु जी दोनों कार्य करती है, छुपा के भी रखती है, जो भक्त है उनके सामने प्रकट भी करती है, और जो उनको नहीं जानना चाहते कृष्ण के प्रति, जिनकी आस्था नहीं है, उनसे छुपा के रखने का भी कार्य करती है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, समझ गए अब, क्लियर है माता जी? भगवान की भगवत्ता वो भूलोक में छुपा कर भी रखती है और प्रकट भी करती है, ये योग माया का कार्य है। ओके, और क्लियर है कि नहीं, कि अभी भी किसी को डाउट जा रहा है? दो लोग यानी कि जो जहां पे असुर रहते हैं। नाउ वेरी क्लियर ऑन योग माया, यस क्लियर हो गया। अब देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां से धीरे धीरे कर, ठीक है? तो हम लोग अब योग माया एकदम क्लियर हो गए, ठीक है? अब यहां पर मतलब जो हमने भूलोक में बताया, भूलोक में क्या प्रयोजन है कि जो भगवान को भूलना चाहते हैं उसके लिए भगवान योग माया ढक के रखती है, और जो प्रकट जो भक्ति करते हैं उनके लिए भगवान क्या करते हैं, उनके लिए प्रकट करते हैं, है ना? तो आप हर जगह भगवान विद्यमान है, पर हम किसके वजह से नहीं देख पा रहे हैं बताइए? माया के वजह से, योग माया के वजह से। किसके द्वारा? योग माया के वजह से। ठीक है, क्लियर है? भगवान हर जगह है, ध्यान रखना चाहिए, लेकिन हम लोग देख, कुंती महारानी तो कई थी ना, एक छोटा सा था, क्या था श्लोक याद है किसी को? श्लोक, ओ एक छोटा सा पर्दा पड़ा हुआ है,
मैं भूल रहा हूँ, एक छोटा सा पर्दा पड़ा हुआ एकदम भगवान और हमारे बीच पे, वो युग माया 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 जवनी का अस्त। हाँ माया जवनी का जवनी का अस्त ना अच्छा ना, वाह कवर करके रखी है ठीक है।